assalamu alaikum dear students i hope you all are good and very good evening to all of you you are watching your shadsadish channel shadsadish education point so today our topic is <clears throat> as you see on the board role of a teacher role of teacher but this role of teacher in context with what buddhistic period buddhistic period so what was the role during the buddhistic period i have highlighted some important points only you have to remember these points and nothing else. So no doubt there, there is a there is a very much importance was given in Buddhistic period so far as the role of teacher is concerned. Just like I have you in, the Buddhist period, sorry, in the Vedic period I you that role of a teacher was very important. And only those teachers were allowed to teach who were pure in character, who were pious. Who are having the aspect of spirituality in them, and uh, it was not everybody's cup of tea. Har koi teacher nahi ban sakta tha. Wo insan teacher ban sakta tha jisme wo qualities honge. Vedic period mein sabse zyada importance religious pe di -jaadi thi. So the person who was very much well known personality related to the religion, and he was considered as a teacher, as an acharya. Are you getting my point, my dear? So simple the role. इज़ वेरी मच लाइक दैट ऑफ द वैदिक पीरियड जिस तरह वैदिक पीरियड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था टीचर को इसी तरह बुद्धिस्ट पीरियड में भी इंपॉर्टेंस ऑफ द टीचर इज देयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल हैज बीन प्लेड बाय द टीचर्स राइट माय डियर बट देयर इज अ लिटिल बिड डिफरेंस लिटिल बिड डिफरेंस नॉट मच डिफरेंस बट लिटिल बिड डिफरेंस यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट एंड uh, ये जो पॉइंट्स मैंने पांच आठ पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं इसको आप अच्छे से याद करेंगे अच्छे से याद करेंगे इनशा इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन कमिंग माय डियर तो चलते हैं बेटा सबसे पहला पॉइंट बुद्धिस्टिक टीचर वाज अ पॉयस रिलीजियस एंड स्परिचुअल अगर इस पॉइंट को हम देखेंगे बेटा तो आपको लगेगा भाई विद पीरियड में भी यही रोल था टीचर वॉज रिलीजियस टीचर वॉज पॉयसेंट टीचर वॉज स्परिचुअल एग्जैक्टली माई आइडिया इन बुद्धिस्टिक पीरियड दिस इज ऑल्सो द रोल ओके नंबर नेक्स्ट पॉइंट बट सो फार एज द टीचर इज कंसर्न ओनली वो टीचर टीचर बन सकता था जिसको अच्छा कमांड होता था किन पे मस्ट अंडरस्टैंड फोर नोबल ट्रुथ्स तो एक टीचर एक टीचर को पहले अगर टीचर को बच्चों टीचर को क्या करना होता है बच्चों को सिखाना होता है फोर नोबल ट्रुथ्स तो ये तब पॉसिबल है जब टीचर को इसके बारे में खुद की अंडरस्टैंडिंग हो तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सो फार एज द रोल ऑफ टीचर इन बुद्धिज्म इज कंसर्न इसको क्या मतलब व्हाट वाज व्हाट वाज मस्ट फॉर अ टीचर मस्ट अंडरस्टैंड फोर नोबल ट्रुथ्स ऑलरेडी एक्सप्लेन

कोई भी आम इंसान वहां पे टीचर नहीं बन सकता था तो खाली वो इंसान जिसमें पॉयसनेस होती है पॉयसनेस हो रिलीजियस माइंडेड हो एंड स्परिचुअल एस्पेक्ट हो तो वही इंसान टीचर बन सकता था किस पीरियड में बुद्धिस्टिक पीरियड में राइट माय डियर एंड मस्ट अंडरस्टैंड फोर नोबल ट्रीथिज ये तो ऑलरेडी हमने कहा कि टीचर के लिए भी ये जरूरी है और स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है नंबर नेक्स्ट मस्ट फॉलो एट फोल्ड पार तो हां ट मेक यूर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एट फोल्ड पार्ट अन यू हैव द अंडरस्टैंडिंग तो अगर एक टीचर को जरूरी होता है कि इसको भी आठ वेज को फॉलो करना होता है वो टीचर जो है फॉलो नहीं करेगा ही वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ मॉन्क ही वॉज नॉट कंसिडर्ड एज ए टीचर इन बुद्धिस्टिक पीरियड तो इट वॉज मस्ट फॉर ए टीचर दैट ही मस्ट बी ही मस्ट फॉलो एट फोल्ड पार्ट यानी इनके लिए मंडेट्री था एक टीचर जिस तरह हमारे यहां पे जब रिक्रूटमेंट की जाती है टीचर के लिए यू मस्ट अ डिग्री बैचलर ऑफ एजुकेशन और यू मस्ट हैव मास्टर्स इन एजुकेशन अगर आपके पास है डिग्री है तो यू आर एलिजिबल फॉर द टीचर सेम थिंग वॉज देयर जब भी टीचर को रिक्रूट किया जाता था पहले कौन सी चीज देखी जाती थी टीचर में क्या ये पॉइसनेस इसमें है रिलीजियस माइंडेड है स्परिचुअलिटी इसमें है क्या उसने फोर नोबल ट्रुथ्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है क्या ये एट फोल्ड को फॉलो करता है तो अगर ये सारी चीजें इसमें देखेंगी तो इसको कहते थे कि भाई ये टीचर के काबिल है राइट माइडियर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट मस्ट बी एंड ऑफ हाई मेंटल लेवल टू टीच रिलीजियस एंड बुद्धिस्टिक लिटरेचर वेरी इंपॉर्टेंट तो ये ये खाली ये दो तीन चीजें मतलब काफी नहीं है इसका मेंटल लेवल ही मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ His mind must be intelligent enough so that he can teach religion as well as the Buddhistic literature for the students. So, uh, next point, hai, fourth point hai, he must be efficient and of high mental level to teach religion and Buddhistic literature. Okay, my dear, these four points are very important. Now, this point in Buddhism, teacher was called. This is very important. और इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड उपाधिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसको कहेंगे आचार्य कस्टोडियन ऑफ ए स्टूडेंट ही स्टूडेंट कस्टोडियन कस्टोडियन मतलब केयर टेकर ऑफ अ स्टूडेंट तो इट वॉज कॉल्ड आचार्य ये एग्जाम में आता है आचार्य इज अ कस्टोडियन ऑफ अ स्टूडेंट एंड उपधिया उपदिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यहां पे मैंने लिखा अ कस्टोडियन ऑफ टीचिंग लर्निंग तो ये डिस्टिंक्शन क्लियर है हु इज कार्ड आचार्य सर वो जो कस्टोडियन ऑफ ए स्टूडेंट और ए डिसिप्लिन होगा और ये उपदिया क्या है ही वॉज द कस्टोडियन ऑफ शबाश टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है उपदिया इज रिलेटेड टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाइल एज एन अचार्य ही इज ए कस्टोडियन ऑफ अ स्टूडेंट बेटा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एंड दिस वॉज एक्चुअली द रोल ऑफ ए टीचर इसमें आपको इतने ही पॉइंट याद रखने हैं ओके माई डियर सो दिस वॉज द रोल ऑफ ए टीचर नाउ यू कैन सी ड्यूटीज ऑफ a स्टूडेंट uh, uh, what was द रोल ऑफ a स्टूडेंट तो देखिए जिस तरह टीचर के बारे में मैंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए तो इसी तरह जो बुद्धिस्टिक पीरियड था वहां पे भी स्टूडेंट को बहुत सारे रूल्स को फॉलो करने होते थे तो स्टूडेंट वॉज टू फॉलो द टेन रूल्स ठीक है ना बेटा तो स्टूडेंट को कितने रूल्स को फॉलो करना होता था दस रूल्स को तो ये दस मैंने यहां पे लिखे तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम वन बाय वन तो पहला रूल क्या था नॉट टू किल एनी लिविंग थिंग तो स्टूडेंट की लाइफ ऐसे होती थी कि इसको पहले ही प्रिकॉशन दिए जाते थे कि वन यू आर इन द मोनास्ट्री मोनास्ट्री का मतलब क्या है वेन यू आर इन द स्कूल क्योंकि वैदिक पीरियड में गुरुकुल वॉज द स्कूल एंड इन बुद्धिस्टिक पीरियड इट वॉज द मोनास्ट्री दैट वॉज द स्कूल और विहार पॉइंट। सो वन आरिगेटिंग स्टूडेंट वाज एडमिटेड इन द मोनास्ट्री ही हैज और ही हैज टू फॉलो हाउ मेनी रूल बेटा दस रूल तो ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है इस तरह आता है कि इन बुद्धिस्टिक पीरियड हाउ मेनी रूल टू फॉलो इट वॉज टू फॉलो हाउ मेनी रूल्स टेन रूल्स ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि कितने रूल्स को फॉलो करने होते थे दस रूल्स को समझ आया बेटा वेरी गुड तो पहला रूल क्या है बेटा नॉट टू किल एनी लिविंग थिंग तो सबसे पहली बात उनको ये समझाई जाती थी कि अगर आपने यहां पे पढ़ना है तो आपको किसी भी लिविंग थिंग को मारना नहीं है चाहे वो मॉस्किटो है कोई कीड़ा है ही ऑफ वॉज नॉट अलाउड टू किल एनी लिविंग थिंग राइट माइडियर नंबर सेकेंड वॉज नॉट अलाउड टू स्टील चोरी करना मना है ठीक बात है ना देखो जब बच्चों का बच्चे अक्सर खेलते हैं किसी की किसी की चीज उधर इधर ले जाते हैं तो वहां पे वो था कि कोई भी बच्चा चोरी नहीं कर सकता किसी का कहने के बगैर कोई किसी का चीज नहीं ले जा सकता है तो नॉट टू स्टील ओके डियर एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक लाइ तो ही वॉज नॉट अलाउड टू टेल अ लाइ झूठ बोलना सख्त मना है देखो ये सारे कैरेक्टर्स बचपन में ही इसको डेवलप किए जाते हैं तो आप सच बोलो इस इस मौक में इस इस स्टूडेंट में प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा स्पिरिचुअलिटी डेवलप नहीं होगा पॉइसनेस डेवलप नहीं होगा वाई नॉट क्यों नहीं होगा जब बचपन से ही इसको ऐसा सिखाया जाएगा तो डेफिनेटली श्योरली ये कल जाके एक अच्छा बेहतरीन इंसान बन सकता है राइट डियर एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट टू ईट एट इम प्रॉपर टाइम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसको हमेशा वक्त पे खाना खाना होता था तो इम प्रॉपर टाइम पे बच्चे को अलाउ नहीं था कि आप वो खाना खा सके इम प्रॉपर देयर वॉज अ फिक्स टाइम टेबल फॉर वेन यू ईट वेन यू गो फॉर द प्रेयर वेन यू वेन यू आर गोइंग अबाउट योर स्टडीज राइट तो देर वॉज अ प्रॉपर टाइम इम प्रॉपर टाइम वॉज नॉट अलाउड देयर ओके एंड नॉट टू टेक इनटॉक्सिकेंट

Right my dear. And number next, was not allowed to speak ill of anybody. So that was not also allowed. That was not also allowed. You are not allowed to speak ill of any other. Are you getting me? And one more point. Was not allowed to take interest in dance and music. Dance and music may be in co interest in hile. बुद्धिस्टिक तो पीरियड में इट वॉज नॉट अलाउड टू टेक इंटरेस्ट इन डांस एंड म्यूजिक एंड वन मोर पॉइंट नॉट टू यूज कॉस्मेटिक्स एंड लक्सुरियस थिंग्स अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे क्लास में होते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा कपड़े मतलब लक्सूरियस क्लोथ्स तो बट वाज नॉट अलाउड चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो देर वो ड्रेस के बारे में आ, आ, आगे हम बताएंगे कि उस ड्रेस का नाम क्या था आ, में पॉइंट वो हम बाद में पढ़ेंगे कि उस ड्रेस का नाम क्या था तो सारी क्लासेस चाहे वो आ, किसी भी कास्ट क्रीड कलर से हो तो सब बच्चों को एक ही यूनिफॉर्म पहनाई जाती थी ताकि किसी को यह ना लगे कि मैं अमीर हूं मैं गरीब हूं इसीलिए बेटा किसी भी बच्चे को ये अलाउ नहीं था कि वो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करे या उसके पास नए कपड़े हो या लक्शोरियस चीजें लाइक गोल्ड ऑर्नामेंट एटसेट्रा तो दैट वाज नॉट अलाउड इन व्हाट पीरियड बुद्धिस्टिक पीरियड राइट माइथिया तो ये इस बात से क्या साबित होता है ऑल स्टूडेंट आर इक्वल तो देर ऑज अ राइट राइट टू एडुकेशन कॉन्सेप्ट राइट टू इक्वेलिटी राइट टू इक्वलिटी एवरी पर्सन इज इक्वल नो नो डाउट यू बिलोंग टू द इलीट ग्रुप यू बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली यू बिलोंग टू द हाई क्लास फैमिली नो इन साइड द मोनास्ट्री इन साइड द क्लास रूम वी आल आर वन इस पॉइंट से साफ ज़ाहिर हो जाता है राइट ओके एंड वन मोर थिंग नॉट टू एक्सेप्ट थिंग्स फ्रॉम अदर्स एज देखे बेटा विदियड में जब टीचर हम टीचर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करवाता था स्टूडेंट से तो स्टूडेंट वन कंप्लीटेड एजुकेशन वो एक कटोरा लेकर जाता था और बीक मांगता था किसके लिए बेगिंग फॉर ऑलमोस्ट टीचर के लिए बट इट वॉज स्ट्रॉन्गली प्रोहबिटेड तो इस चीज को मतलब क्या किया खत्म किया गया किसने बुद्धिस्ट पीरियड में इसको इस चीज को खत्म किया गया बेगिंग फॉर ऑलम वॉज टोटली टोटली destroyed इट वॉज टोटली प्रोहेबिटेड इट वॉज टोटली प्रोहेबिटेड स्टूडेंट वॉज नॉट अलाउड टू टेक द थिंग्स फ्रॉम अदर्स तो यही पॉइंट यहां पर है स्टूडेंट वॉज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट थिंग्स फ्रॉम अदर्स एज आलम एज एलमस ओके एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टेंथ जब तक आपकी जब तक स्टूडेंट uh, की एडुकेशन कंप्लीट नहीं हो सकती तब तक इसको अटेन करना था ऑब्जर्व कैलबेसी कैलिबीसी मैंने ऑलरेडी आपको कहा था ही वॉज नॉट अलाउड टू हैव मैरिज ही वॉज नॉट एलाउड टू हैव हीज ओन फैमिली नो सो जब तक वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं करता तो ही मस्ट ऑब्जर्व वट कैलिबीसी सो माई डियर दीज आर दूल्स दीज आर दिन रूल दैट यू हैव टू रिमेम्बर टिप ऑफ दई होप इट वॉज क्लियर एंड आई होप यू हैव एन्जॉय द लेक्चर इफ यू रियली एन्जॉयड लेक्चर प्लीज Comment and if you are new to the channel, subscribe my channel and press the press the bell icon so that you can get my latest videos. Thank you, may Allah bless you and have a nice day and keep always learning.